गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, एक तो डिफिनेशन है, एक इसका टेक्निकल वो है किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो बेसिकली डिफिनेशन क्या है कि रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर एज्यूम्ड टू बी जीरो। इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ The ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of an input when all initial conditions are assumed to be zero. Okay, that is h of s equal to y of s, ये हमारा आउटपुट है, डिवाइडेड बाई इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसीलिए एस डोमेन में लिखा है। एच ऑफ एस ये हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। अगर एच ऑफ टी टाइम डोमेन में होता तो ये हमारा क्या कहता, इम्पल्स रिस्पॉन्स। कंडीशन क्या है, जीरो इनिशियल कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नोट क्या है कि जिसे लीनियर सिस्टम की अगर बात करें तो लीनियर सिस्टम में ज़ीरो इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो फॉर लीनियर सिस्टम ये सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए ही है, नॉन लीनियर के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। आउटपुट शुड बी ज़ीरो फॉर ज़ीरो इनपुट। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, ज़ीरो इनपुट या ज़ीरो आउटपुट, ये दोनों जो है ये नेसेसरी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी की, ज़ीरो इनपुट ज़ीरो आउटपुट, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। नेसेसरी प्रॉपर्टी तो है बट ये सफिशियंट नहीं है। ज़ीरो आउटपुट इज necessary property for linearity. For linearity of system, but not sufficient. ये sufficient नहीं है, but not sufficient. ठीक है, ये बात हो गई, दो हमारे पास नोट हैं। अब देखिए, एक अगर सिस्टम है यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन इनपुट में, ओके, जब इनिशियल कंडीशन दी होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा
ओके, उसको हम कहते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस, जीरो इनपुट रिस्पांस। ओके, ये आउटपुट क्या है? ड्यू टू इनिशियल कंडीशन, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। ओके, ये बात हो गई। इनिशियल कंडीशन इनपुट में आकर दे रखी है, जो आउटपुट मिलेगा वो भी इनिशियल, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन है, और उस आउटपुट को क्या कहते हैं? जीरो इनपुट रिस्पांस। ओके, अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, उसके बाद जीरो स्टेप रिस्पांस की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अप्लाइड इनपुट यहाँ पे है, सिस्टम से पास कराते हैं अप्लाइड इनपुट। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है, ये अप्लाइड इनपुट को हमने सिस्टम से पास कराया, तो हमारे पास आउटपुट कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस आउटपुट को कहते हैं ज़ीरो स्टेप रिस्पांस, ज़ीरो स्टेप रिस्पांस, ब्रैकेट में ZSR, ज़ीरो स्टेप रिस्पांस। ये क्या होता है? ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। ये होता है किसके थ्रू? ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। अप्लाइड इनपुट, ठीक है। तो एक तो आउटपुट हमारा मिला इनिशियल कंडीशन के थ्रू, एक हमारा मिला है अप्लाइड इनपुट के थ्रू। तो अगर टोटल आउटपुट की बात करें, टोटल आउटपुट तो ये टोटल आउटपुट हमारा मिलता है ज़ीरो इनपुट रिस्पांस की वजह से प्लस ज़ीरो स्टेप रिस्पांस की वजह से, ठीक है। ये हमारा मिलेगा ड्यू टू इनिशियल कंडीशन आउटपुट, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन, और ये हमारा मिलेगा ड्यू टू अप्लाइड इनपुट आउटपुट, ड्यू टू अप्लाइड इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी, जो हमने लिखाया था कि ज़ीरो इनपुट और ज़ीरो आउटपुट ये हमारी नेसेसरी प्रॉपर्टी नहीं है, और लीनियर सिस्टम के लिए आउटपुट हमारा ज़ीरो होना चाहिए ज़ीरो इनपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ज़ीरो इनपुट रिस्पांस है, ये अगर ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो, तो आउटपुट भी हमारा, टोटल आउटपुट हमारा क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं दी है तो ज़ीरो इनपुट रिस्पांस नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाइड इनपुट नहीं दिया होगा तो ज़ीरो स्टेप रिस्पांस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर हम होगा उसमें ज़ीरो इनपुट रिस्पांस और ज़ीरो स्टेप रिस्पांस पे क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसके थ्रू ज़्यादा हमें क्लियर पता चलेगा। उसमें टोटल आउटपुट निकालना होगा, ज़ीरो इनपुट रिस्पांस निकालना होगा, ज़ीरो आउटपुट रिस्पांस निकालना होगा, इस तरीके से। तो उसमें इनिशियल कंडीशन भी दी होगी, इनपुट हमें कब यूज़ करना है, ज़ीरो स्टेप रिस्पांस में हमें क्या यूज़ करना है, ज़ीरो इनपुट रिस्पांस में क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।